अपना अगला चैप्टर देख लेते हैं, वो है सोविंग एंड प्लांटिंग। तो अपना जो फ्रेमवर्क चल रहा था जहाँ पर अपने चॉइस ऑफ स्पीसीज से शुरू किया था, तो अभी नर्सरी वाला पार्ट खत्म हो गया अपना, और अब सोविंग और प्लांटिंग को देख लेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे क्या है कि जनरली जो सीड है, जैसे हमारे पास सीड थे, हमने जंगल से जो सीड खरीदे थे, या तो हम डायरेक्ट सीड को हम जो अपना फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर अपन को जो टारगेटेड एरिया होगी, जो साइट होगी, वहाँ पर डायरेक्ट जहाँ प्लांटेशन वर्क करना होगा, यानी कि सीड वर्क सोविंग करना होगा, तो वहाँ पर डायरेक्ट सीड को स्प्रे कर देंगे। या फिर हम सीड को नर्सरी वाले रूट से लेके चले जाएंगे, या फिर हम जैसे कटिंग बढ़े है, इससे जो हम नर्सरी से जो प्रोड्यूस करेंगे, तो जो हमने नर्सरी बनाई है यहाँ पर, प्लांटिंग मटेरियल बनाई है, तो हम उसे यहाँ प्लांटिंग करेंगे। तो इस टाइप से जो अपना जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, सोविंग, मतलब अगर हमने डायरेक्ट सीड सोविंग कर दी, या फिर प्लांटिंग वर्क किया। तो प्लांटिंग बेसिकली हमें सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है कि जो प्लांटिंग मटेरियल तो पहले पढ़ चुके हैं, अब इस प्लांटिंग मटेरियल को जो साइट है उस पर लगाना कैसे है, मीन्स प्लांटिंग के जो पैटर्न है, जो टेक्निक्स हैं, उनकी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। इसके साथ देख लेंगे कि जो स्पेसिंग से रिलेटेड कंसर्न है, इश्यूज जो थे, उनको भी यहीं पर स्टडी करेंगे। तो सिंपलिसिटी के लिए जैसे अपन पिछले लेक्चर में किया है, वैसे यहाँ पर भी इस जो टॉपिक है उसको 5 सब पिलर में बांट देंगे और एक एक करके ने स्टडी कर लेंगे। तो पहला अपना आता है साइट सिलेक्शन। तो देखो जनरली फॉरेस्ट्री में हमें कोई साइट सिलेक्ट नहीं करनी होती है, जो यूजली होता है क्या कि जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंटर हो या स्टेट हो, तो आपको एक एरिया पकड़ा देती है कि भाई ये एरिया है और आपको इसमें प्लांटेशन वर्क करना है। अब मान लो सपोज कोरोना है, कोरोना की वजह से इंडस्ट्री जैसे चाइना से आती है, जैसे मैं पिछले लेक्चर में भी बोला था, सपोज चाइना से राजस्थान गवर्नमेंट उन्हें प्रमोट करती है और बोलती है पधारो हमारे देश, राजस्थान में कोई सिटी जयपुर के आसपास कहीं इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बड़ा बना देती है, तो फिर क्या करना होगा कि जैसे उसके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्री के चारों तरफ प्लांटेशन वर्क करना पड़ता है। तो आपको मीन्स इस टाइप का कोई इंडस्ट्रियल प्लांटेशन का आपको टारगेट दे दिया कि आपको वहाँ प्लांटेशन करना है, या फिर जैसे आजकल सरिस्का किला दे या सामर लेक में जो बर्ड्स की डेथ हुई थी उसका इशू चल रहा हो, वहां पर आपको इस टाइप का एफोरेस्टेशन वर्क पकड़ा दिया हो इको सेंसिटिव जोन डेवलप करने के लिए, कहीं कंपा के अंदर प्लांटेशन चल रही हो आपके यहाँ, सपोज जैसे अरावली रेंज में भी प्लांटेशन काफी अक्सर होती ही रहती है, ग्रीन हाईवे कॉरिडोर है, या फिर जो अपने INDC और जो UNCCD के अंडर हमने बोल रखा है कि हम जो डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए प्लांटेशन वर्क करेंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जहाँ पर हमें प्लांटेशन की जरूरत होती है, प्लांटेशन वर्क की जरूरत होती है। और ये जो साइट होती है जहाँ पर हम प्लांटेशन कर रहे हैं, अब चॉइस या साइट सिलेक्शन एक्चुअली बोला भले ही जाता है, लेकिन साइट सिलेक्शन कोई अपनी मर्जी से नहीं होता, यूजुअली जो हमारी गवर्नमेंट्स है वही हमें एक एरिया अलॉट कर देती है और टारगेट दे दिया जाता है कि भाई इसमें प्लांटेशन करना है। तो साइट सिलेक्शन जैसे मैंने बोला कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया, तो पहला प्लान अपना कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखा जाए कि अब मान के चलो आपको एक साइट मिल गई, अब आप वहाँ पर प्लांटेशन वर्क अपना स्टार्ट करने वाले हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप बस अपने नर्सरी से जो भी लेके चले गए, गाड़ी में रखा और बस जा करके वहाँ पर गड्ढे खोद के लगा दें, ऐसा नहीं कर किया जाता। उससे पहले आप उस साइट पर जाओगे और एक टाइप से इंस्पेक्शन करोगे। इंस्पेक्शन में क्या देखोगे, ये देखोगे कि साइट की आखिर कंडीशन कैसी है, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसी है, टोपोग्राफी मतलब ढलुआ है, प्लेन है, मिट्टी पत्थर कैसे हैं, और इसके साथ ये देखोगे कि यहाँ आसपास बायोटिक प्रेशर कैसा है, मीन्स सपोज अगर आप आज प्लांटेशन लगा के चले गए, कल कोई आसपास के जो गांव वाले हैं उनका जानवर आया और खा के चला गया, तो इस टाइप के आप देखोगे कि वहाँ पर बायोटिक प्रेशर कितने हैं, तो बायोटिक प्रेशर को भी हमें वहाँ पर मेंटेन करना होता है। तो इसके हिसाब से आप वहाँ पर एक पहले प्री प्लांटिंग सर्वे करोगे, और सर्वे करने के बाद आप वहाँ पर क्या करोगे, एक मैप प्रिपेयर करोगे। तो मैप की जो स्केल होती है वो जनरली 1/15,000 की होती है, ये 15,000 होगा 1:15,000 का एक स्केल बनेगा आपका, तो जो मैप बनेगा और ये सर्वे करके आप। अब एक बार आप सर्वे करके आ गए, डिपार्टमेंट को एक एवरेज डाटा मिल गया कि ये जो एरिया जो उसे अलॉट हुआ है उसके बारे में एक डाटा मिल गया, तो फिर ऑफिस में उसकी फिर प्रिपरेशन मीन्स एक प्लानिंग बनाई जाएगी। प्लानिंग के बाद क्या किया जाएगा, कुछ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कुछ मजदूरों को भेज देगा एक ट्रैक्टर वगैरह के साथ और जो अपनी JCB वगैरह है, तो वो बोल देंगे कि एक काम करो, पहले जो साइट है जहाँ प्लांटेशन करना है वहाँ पर हम जो क्लीनिंग वीडिंग वगैरह है उसे करके आओ,
इस टाइप से हम उसमें जो वो साइट को क्लीन करेंगे, वहां पर जो कचरा वगैरह निकलेगा आप उसे देखेंगे, और उसको कचरे के साथ साथ वहां पर गड्ढे वगैरह मतलब सॉइल को भी ट्रीट करना पड़ेगा, कुछ केमिकल वगैरह देना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ डिजीज के इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे सॉइल में नेमेटोड वगैरह होते हैं, फंजाई वगैरह है, अगर ऐसी डिजीज है, कुछ बहुत सारी जगह होती है जहाँ टर्माइट की प्रॉब्लम है, दीमक की, तो अगर मैं प्लांटेशन लगा गया और दीमक पर ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा कि मैं तो लगा गया और 1-1.5 साल बाद वो प्लांटेशन नीचे से पूरी खोखली हो जाएगी, दीमक उसे खा जाएगी। तो प्लांटेशन वर्क के टाइम पर हम उसे सॉइल को भी ट्रीट करते हैं। तो साइट प्रिपरेशन में जो हम वहाँ पर जाएंगे, जो हमारे लेबर फोर्स जाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वो क्या करेगा, पहला तो काम वो जो करेगा वो है साइट को क्लीन करेगा। साइट पर ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि कोई जमीन प्लान खड़ी हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ पहले से कोई ना कोई वेजिटेशन होगी। तो ये क्या करेंगे कि जनरली वहाँ पर जितने भी घटिया टाइप के पेड़ होंगे या बीमार पेड़ होंगे, कमजोर पेड़ होंगे, इन सबको काट करके साइट को क्लीन कर देंगे, उस पूरी एरिया को यानी कि पूरी वो सॉयल एरिया को साफ कर देंगे। अब आपको पता है कि जब बड़े पेड़ काटे जाते हैं तो उनके जो डंठल से बच जाते हैं, ये इन्हें क्या बोलते हैं, स्टम्प, तो बाद में बड़ी मशीनों से इस स्टम्प को भी हटा दिया जाता है या उखाड़ दिया जाता है, और यहाँ से जो रेजिड्यू निकलेगा, जो दुनिया भर का लकड़ी वगैरह का जो कचरा निकलता है, तो उसको बाद में हम जला देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। अब मुद्दा ये भी बोल सकते हो कि आखिर हम ये इतना वगैरह की जो बकैती है, मीन्स ये पेड़ों को काटना, उसे डिस्पोज करना, इसमें लगभग 10-15 दिन चले जाते हैं, तो आखिर हम करते क्यों हैं? क्योंकि जहाँ जो हमें साइट दी गई है वहाँ पर अगर सब कुछ बहुत कुछ अच्छा होता है तो वहाँ डेंस फॉरेस्ट होते, हमें हमें प्लांटेशन वर्क की वहाँ जरूरत नहीं थी। हम वहाँ प्लांटेशन करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर पहले से ही जो अपने चार फैक्टर हैं, कौन से, क्लाइमेटिक, इडाफिक, टोपोग्राफिक और बायोटिक, ये जो 4 F हैं वो पहले ही वहाँ पर एडवर्स सिचुएशन ले आ रखे हैं। तो सबसे पहले हमें उस साइट को एवरेज में लेके आना पड़ता है, नॉर्मलाइज करना पड़ता है, और खासकर वहाँ सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है बायोटिक का, खासकर जो सॉइल से रिलेटेड जो इंसेक्ट बेस्ड डिजीज होते हैं अटैक, इनके भी अटैक बहुत होते हैं। तो हम जो क्लीनिंग कर रहे होते हैं और जो आग जला रहे होते हैं, उसके पीछे पर्पज ये है कि जो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज जो वहाँ के पेड़ों में लग रखी है, पहले तो वो बीमार वाले पेड़ों को वहाँ से हटा दो। उनके हट जाने से क्या होता है कि एक टाइप से जो बीमारी वहाँ हो सकती है अपने नए पेड़ों को भी, वो बीमारी के चांसेस कम हो गए। दूसरा क्या है कि अगर ये पुरानी जो जो स्लैश वगैरह है, मीन्स पेड़ों की जो लकड़ी वगैरह है, पत्ती वत्ती जो झड़ गई, वो नीचे जो पड़ी हुई है, अगर वो वहाँ पड़ी रहेगी तो चांसेस है कि फायर हैजार्ड हो जाए, कभी गर्मी पड़े और इसमें आग लग जाए, तो ऐसी जो फायर हैजार्ड है उसकी सिचुएशन भी ना आए, तो वो कहीं ना काफी हद तक यहाँ सॉल्व हो जाती है। थर्ड मुद्दा आता है अपना फर्टिलाइजर का। जब आप वहां पर आग लगा देते हो, जब वो जलता है, तो वहां पर क्या है, जलने के बाद वो वहां पर जो अपनी राख है वो छोड़ेगा, तो राख एक टाइप से बहुत सारे मिनरल्स को अवेलेबल करा देता है अपने नए प्लांट्स के लिए, और फिर ऑब्वियसली जो वीड होते हैं, जो घास फूस है, ये जल जाती है, तो इससे इस टाइप से जो अपना नई प्लांटेशन है उसे जो इनिशियल फेज में ये जो वीड अपनी कॉम्पिटिशन देने वाली होती है उससे काफी हद तक अपन कम कर लेते हैं। तो वीडिंग, ये जो स्टार्टिंग में जो अपने वीडिंग क्लीनिंग कर दी, उसका काम हो गया। अब ये तो ऊपर का गया है। कई बार क्या है कि जो जो फॉरेस्ट की जो सॉयल है यानी कि जो सरफेस है, इतना करने के बाद भी सरफेस पे बहुत सारी चीज़ें बची रह जाती हैं, जैसे कि कंकड़, बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं कुछ जगह, मीन्स ककड़ू टाइप की वो एक वेजिटेशन है वो बिल्कुल चिपकी हुई है, या अपर सरफेस में जो अपनी, जैसे आपने देखा होगा घास है, तो घास ऊपर भले पेड़ वगैरह हो उसके मीन्स सिस्टम है, लेकिन उसकी जो जड़ है वो सुपरफिशियल सरफेस में जड़ें दबी रहती हैं, जैसी रेनफॉल हुई और वो तुरंत वहां पर ग्रो करना शुरू कर देती, तो इस टाइप से जो घास की जो जड़ें वगैरह हैं उन्हें भी उखाड़ना होता है, जिससे ये जैसे ही हम साफ करके चले जाए, घास दोबारा से कवर ना कर ले एरिया को। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, फॉरेस्ट फ्लोर को ट्रीट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में एक तो ये जो स्लैश डिस्पोजल है, मतलब क्या कि ये जो स्लैश है उसमें बाद में आग लगा देते हैं, तो इस टाइप से ये एक टाइप से फर्टिलाइजर का काम कर देता है। दूसरा, ये जो ग्राउंड सरफेस का है, इसे बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है कि इस टाइप की कोई मशीन ली और ये अपर जो सरफेस है
उसकी जो मिट्टी है उसे एक टाइप से उथल पुथल कर देता है, एक टाइप से साइड में हटा देता है, जिससे जो ग्रासेस है उनकी जो रूट्स है वो भी उखड़ के एक साइड कर चली जाती है। तो एक बार अगर हमने ग्रासेस को वहां से हटा दिया तो इस टाइप से हमारी जो नई वेजिटेशन जो हम लगाने वाले हैं उसको कम से कम स्टार्टिंग की 1-1.5 साल में जो कॉम्पिटिशन होने वाला था उसे तो कम से कम हमने कंट्रोल कर लिया। अब थर्ड इसके बाद मुद्दा आता है अपना जो सॉयल है उसको भी ट्रीट देना पड़ता है। देखो सॉयल के साथ क्या कंडीशन है कि अपन को जो एरिया मिला हुआ है प्लांटेशन के लिए वो जनरली दो टाइप का हो सकता है, या तो ये इस टाइप का प्लेन दे दिया गया हो जो बिल्कुल आदर्श बोल सकते हो कि नॉर्मल एरिया है, जो जैसे अपनी कहीं खेती वगैरह होती है इस टाइप का, मीन्स सपोज इंडस्ट्री लगी है तो उसके आसपास का तो ऐसे एरिया होगा, अगर जयपुर के आसपास लगा दो इंडस्ट्री तो ऐसे एरिया में हमें कोई बहुत लंबे चौड़े एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ सिंपल सा काम है, एक बड़ा सा जो अपना डीप प्लगिंग करते हैं, ट्रैक्टर लेके आएंगे और उसे अच्छी तरह से जोत देंगे। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ज़्यादा थोड़ा बहुत पड़ा तो हमें एल्ड्रिन वगैरह डाल देते हैं, ये जो अपना टर्माइट है दीमक है उसकी समस्या को कम करने के लिए। लेकिन मेजोरिटी जो अपनी प्लांटेशन होती है वो कैसी होती है, इस टाइप की अरावली की ऊबड़ खाबड़ वाले एरिया है जहाँ पानी के लंबे लंबे तक देखने को पानी नहीं है। तब ऐसे एरिया में आप सिंपल डीप प्लगिंग और सिंपल ट्रीटमेंट करके काम नहीं चलेगा। यहाँ पर क्योंकि सरफेस जो है वो बहुत ही गड़बड़ है तो आपको वहाँ बिल्कुल अलग ही टाइप के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है, खासकर सॉयल में गड्ढे करने होते हैं। आपने ट्रेंच वगैरह इस टाइप की देखी होंगी, तो यहाँ पर हम जनरली ये ट्रेंचिंग वाला मेथड ही काम करते हैं। तो यहाँ किस टाइप के गड्ढे खोदते हैं उनकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अपने इस टॉपिक से आते हैं तो आधे तो क्वेश्चन यहाँ ट्रेंचिंग और पिट से आ जाते हैं, और दूसरा जो पार्ट आता है क्वेश्चन का वो आता है अपने स्पेसिंग से। जैसे कि अगर इस पहाड़ को ले लो, ठीक है, तो एक तो एरिया है ये प्लेन वाला एरिया है, तो जो प्लेन वाले एरिया है यहाँ पर हम सिंपल गड्ढे खोदते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पिट्स। क्या बोलेंगे ना, यहाँ पर हम यूज करते हैं पिट्स। ये वाला रीजन है जो ढल वाला रीजन है, यहाँ पर जो हम गड्ढे खोदेंगे वो मेथड जो हम यूज करते हैं वहाँ हम ट्रेंचिंग यूज करेंगे और ये रिज और डिच यूज करेंगे। थर्ड मुद्दा होता है इसका ज्वाइंट वाला पार्ट। इस ज्वाइंट वाले पार्ट में जो हम यूज करते हैं मेथड उसे बोलते हैं हम वर्ली। तो हम एक एक करके पहले पिट्स पढ़ लेंगे, फिर ट्रेंच और ये रिज डिच को देख लेंगे, इसके बाद फिर वर्ली देख के अपना ये वाला जो सॉइल वर्किंग का ये कंप्लीट करते हैं। तो पहला अपना देखते हैं पिट्स। पिट मतलब गड्ढे। तो गड्ढे यूजुअली हम तीन टाइप के करते हैं। पहला है ऑर्डिनरी पिट। ऑर्डिनरी मतलब जो आप बोल सकते हो सामान्य, मतलब ये हर जगह किया जाता है, हर जगह मतलब लगभग ऑलमोस्ट पूरा कॉमन इंडिया में, आपके घर के आसपास जो आपने पेड़ लगाए होंगे तो ऑर्डिनरी पिट ही क्या होगा। आपने करते क्या हो, फोड़ा या गेंती कुछ लेके आए, एक छोटा सा गड्ढा खोदा, गड्ढे से जो मिट्टी निकली उसे अलग किया, मिट्टी को थोड़ा ढीला किया और वापस मिट्टी को भर दिया और यहाँ पर आपने लगा दिया पेड़। पेड़ लगाने के बाद क्योंकि मिट्टी को पहले ठोस थी आपने उसे लूज किया है तो मिट्टी थोड़ी ज्यादा होगी तो ये उठ जाती है। इसके बाद आप क्या करते हो, कुछ बची हुई मिट्टी को यहाँ पर थोड़ा हल्की सी गहरी कर देते हो यहाँ पर, और बची हुई मिट्टी को कुछ यहाँ की मिट्टी इधर चढ़ा देते हो और कुछ यहाँ पर बाउंड्री बना देते हो एक हल्की सी, और फिर पानी डाल के अपना काम इतिश्री कर लेते हो, खत्म कर लेते हो। ये पिट जो है इन्हें बोलते हैं हम ऑर्डिनरी पिट। यहाँ ऑर्डिनरी पिट से अगर अपन को कोई क्वेश्चन आता है तो वो आता है इसके साइज से। यूजुअली जो ऑर्डिनरी पिट है उसका साइज होता है 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी गहराई 30 है, ये चौड़ाई 30 है और इसकी इस टाइप की ये वो भी 30 होगी। सेकेंड थिंग, हो सकता है कि आपका जो 30 सेंटीमीटर है उसकी जगह आपको 45 सेंटीमीटर ले जाया जाए, अगर आपको कोई प्लांटेशन है वो बड़ी है थोड़ी साइज में, यानी कि 45 बाय 45 बाय 45, या हो सकता है ये 60 बाय 60 बाय 60। तो ये तीन इसके साइज है जनरली, और आपसे अगर ऑर्डिनरी पिट का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस साइज से आ जाता है। सेकेंड थिंग, आप मान के चलो ये तो ऑर्डिनरी तो ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है, अब उसे थोड़ा अपन राजस्थान की तरफ चलते हैं जहाँ पानी की थोड़ी कमी है। तो जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ ऑर्डिनरी लगा देंगे, क्योंकि ऑर्डिनरी के पास कोई बहुत अच्छी कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर कर सके, तो वहाँ पानी की समस्या बढ़ सकती है। सो हम वहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसे बोलते हैं हम सोसर पिट। सोसर में क्या करेंगे कि जो गड्ढा है यहाँ पर जो हम स्लैंटिंग ओपन कर रहे थे यहाँ पर हम सीधा सीधा डायरेक्ट खोदेंगे,
और इसके गड्ढे खोदने के बाद मिट्टी दबाने के बाद यहाँ पर लगभग 1 मीटर की रेडियस से मिट्टी की एक दीवार सी हल्की सी वो मोटाई सी बंधिया सी बना देते हैं। इससे क्या होता है कि जो बारिश का रेनफॉल है, बारिश का जो पानी है, या फिर डिपार्टमेंट कभी कभी अपने जो टैंकर लेके फटक के चला जाता पानी, तो इस टाइप से जो पानी वहां पर देके चले जाते हैं वो काफी हद तक उस पेड़ को मिल जाता है और एक लंबी रेडियस मीन काफी कुछ पानी वहां भर जाता है। ये जो है सोसर, ये सोसर एक्चुअली प्लांटेशन वाला नहीं है, ये जो जंगल में जो जंगली जानवरों को पानी पीने के लिए बनाया जाता है ये वो सोसर है। लेकिन सोसर पिट और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल यही सेम मान लो, बस यहाँ पर एक मिट्टी का थोड़ा एक मॉन्ड बना होगा, टीला बना होगा और यहाँ पर पेड़ लगा होगा, तो ये अपना हो गया सोसर पिट। अब समस्या को ये जो अपना जो सोसर पिट था कंडीशन को और एडवर्स करेंगे। सोसर पिट कहाँ बनाएंगे अपन? सेमी एरिड या थोड़ी जो सैंडी का एरिया है वहां, मीन्स सॉयल है जिसमें सैंड मिक्स है, लेकिन अभी ये बिल्कुल सैंडी नहीं है, थोड़ी मिक्सअप है सैंडी का, या इनकी सेमी एरिड कंडीशन है। अब समस्या को और थोड़ा ड्राउट की तरफ लेके चलते हैं। आप राजस्थान में और आगे डेजर्ट की तरफ चल रहे हो जहाँ पर पानी की ज्यादा समस्या हो रही है, तो वैसे केस में हम सोसर की जगह हम बनाएंगे रिंग पिट। रिंग मीन्स वेरी सैंडी एरिया में बनाया जाता है। अब आपको रिंग पिट पे क्वेश्चन आएगा तो यही आता है, और सोसर पिट पे आता है सेमी एरिड वाला क्वेश्चन, और ऑर्डिनरी पिट पे अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो इसके साइज पे आया। तो 3 टाइप के जो पिट्स है वो आपने देख लिए, और पिट्स मैंने यही बताया कि ये है वो प्लेन वाले हैं, प्लेन एरिया में होते हैं। अब अपन देखेंगे रिज डिच, यानी कि थोड़ा जो ढाल है उस पर देखेंगे। तो रिज और डिच, रिज का मतलब कुछ उठाओ, रिज होना, जैसे माउंटेन की रिज होती है, और डिच का मतलब खाई यानी कि खंती। तो इस टाइप से अगर कहीं उठाओ और खंती दोनों है तो वो हो गए अपना रिज और डिच। अब रिज डिच में क्या हो सकता है कि जनरली यहाँ की मिट्टी खोद देते हैं और इसे यहाँ लगा दिया। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो पहाड़ियां हैं उन पर थोड़ी बहुत तो मिट्टी होती है, तो यहाँ पर क्या है पानी जो है वो रन ऑफ इशू है यहाँ पर पहाड़ियों में, तो जो पानी आता है यहाँ पर खाइयों में जाकर के वो पानी भर जाता है। तो हम पेड़ जो है या तो यहाँ पर लगा देंगे या यहाँ पर ट्रेंच में लगा देंगे, और यहाँ पर थोड़ी बहुत पत्थर लगा देते हैं जिससे रन ऑफ की स्पीड थोड़ी कम हो, जिससे इरोजन की समस्या थोड़ी रुके। तो यहाँ पर हम जो पहाड़ियों में रिज डिच कर ली। अब सपोज जहां पर आपको जो एरिया दिया गया है वहां पर पानी थोड़ा ज्यादा ही समस्या है, मीन्स पानी थोड़ा कम है, तो इसका मतलब है आपको वहाँ और ज्यादा पानी स्टोर करने की जरूरत है, तो आप वहां पर ट्रेंच थोड़ी बड़ी कर सकते हो। अगर समस्या और ज्यादा बड़ी है, मीन्स या तो पहाड़ी है थोड़ी लंबा ढलान है जिससे ऊपर से जब पानी आता है तो रन ऑफ का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि राजस्थान के थोड़े डीप वाले एरिया है जहाँ पानी बहुत कम मिल पाता है और पेड़ों को एक ही बार की बरसात में ही साल भर के लिए पानी रखना है, तो फिर एक काम कर दो उनके लिए 2 कुएं खोद दो, मीन्स डबल ट्रेंच कर दो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे आपसे कि ये जो ट्रेंचिंग है यानी कि सिंगल ट्रेंच है या डबल ट्रेंच है, यानी कि ट्रेंच या रिज है, तो ये किस टाइप के रीजन में किए जाएंगे? तो पहली बात है कि ये पथरीली जो मीन्स पहाड़ियों की जिनकी मैं बोल रहा हूँ, जिनमें मिट्टी ज्यादा कुछ खास है नहीं, बस ऊपर से पानी आता है वो भी थोड़ी बहुत है, तो यहाँ पर कैसी कि जो स्लोपी एरिया है और खासकर मरमी एरिया, मरम मतलब जो राजस्थान में जैसे अपने अरावली है तो जो लाल पत्थर होता है उसे मरम बोलते हैं, जब वो थोड़ा छोटे छोटे फॉर्म में आ जाता है जैसे अपना रोड वगैरह बनाने में जो मरम यूज करते हैं, तो वो वही है। तो ये मरमी एरिया में आते हैं। अभी तक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें ये पूछा गया कि रिज और डिच है, खासकर ये जो सेल्फ ट्रेंच है इसको किस एरिया में यूज किया जाता है, तो वो है अपना मरम में, और ये डबल ट्रेंच है ये मतलब मरमी एरिया से भी ज्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर पानी और भी कम है और मिट्टी तो यहाँ ऑलमोस्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर जो बरसात का पानी आएगा वो इस गड्ढे में भरता रहेगा। तो ये है स्लोपी एरिया, बैडली स्लोपी एरिया विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल, क्योंकि बहुत ही कम सॉइल है जो होगी उस गड्ढे में जमा होती रहेगी। तो ये रिज और डिज को एक बार देख लिया, अब आपको देखना है ट्रेंचिंग का। ट्रेंचिंग में वही है बड़ी सी खंदक खोदेंगे, तो ट्रेंचिंग के 2 मेथड है, मीन्स एक्चुअल में 2 टाइप की ट्रेंचिंग बोल देते हैं। कई बार इस टाइप की एक बड़ी ट्रेंच खोद देते हैं और ट्रेंच के बीच में पेड़ लगा देते हैं, वो उस टाइप के में है क्योंकि जब यहाँ पर पानी की थोड़ी समस्याएं हैं, पानी कम है, तो पेड़ यहाँ लगा दिया तो यहाँ से भी पानी आ जाएगा, यहाँ से भी पानी आ जाएगा। अब अगर आप ऐसी एरिया में हो जहाँ नमक ज्यादा है तो यहाँ पर लगाने से तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लगाने से वो साल्टी वाटर यहाँ पर पहुंचाएगा, तो आप जनरली पेड़ है वो यहाँ पर लगाते हो,
जिससे कि जो पानी है उससे साल्ट तो इधर उतर जाएगा, या यहाँ पर भी जो पानी होगा तो वो साल्ट यहाँ से पानी के थ्रू नीचे चला जाता है, नीचे चला जाएगा, और यहाँ से जो पानी मिट्टी में रहेगा तो साल्ट नीचे चले जाएंगे और पेड़ को थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा। तो ये ट्रेंच और माउंड, इसका मतलब क्या हुआ ट्रेंचिंग में, ट्रेंच और माउंड, इसमें एक तो टीला है और दूसरा है खाई, ये रिज नहीं है, ये एक टीला है और खाई है। फिर ट्रेंच और माउंड है उसे ऐसे भी देख सकते हैं जैसे हम कंटूर ट्रेंचिंग और बेंडिंग में देखते हैं, बस ये है कि इसमें कंटूर वाले में क्या होगा कि ये लंबी सी चलेंगे जबकि उसमें एक छोटा सा टीला होता है, और ये कंटूर ट्रेंचिंग आपने देखा होगा कि ढलान वाले में बनाएंगे तो इसमें भी हम ऐसे जैसे ये छोटी सी है यहाँ पर ट्रेंच बना रखी होगी और ट्रेंच की मिट्टी हमने इधर लगा दी है यहाँ पर और इस पर हमने प्लांटेशन कर दिया। तो इस टाइप से ट्रेंच रिज पे चलता है। इसका साइज है कि भाई कितना होगा, 60 सेंटीमीटर गहरा होगा ये और 2 मीटर का लंबाई है, 2 मीटर होगा गहराई इसकी, 60 सेंटीमीटर होगी, और इस पे ये जैसे ये पेड़ लगा रखा है, इस पे ये प्लांटेशन कर रखा है, तो इस टाइप की ये चलता रहता है। कौन, कंटूर ट्रेंचिंग एंड बंडिंग। इसमें एक लास्ट आता है, वो आता है वर्ली। जैसे मैंने बोला था कि जब कोई माउंटेन्स है वो जब आती है उसका पानी जो आता है, और ये प्लेन का एरिया, तो इसका ज्वाइनिंग एरिया में हम यहाँ पर जो बना देते हैं इसे बोलते हैं हम वर्ली। बस आपको एक ही बात याद रखना है कि ये वर्ली है वो ज्वाइनिंग एरिया में करते हैं, जो ज्वाइंट एरिया है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये माउंटेन है, यहाँ से पानी उतर रहा होगा, अब ढलान है तो दर स्पीड से रन ऑफ होता है, तो यहाँ पर इन्होंने ये वर्ली बना डाली। ठीक है, एक होता है माउंड, माउंड का मतलब टीला, ये तो नॉर्मल जो मैंग्रोव वगैरह का एरिया है वहां पर हम माउंड कर देते हैं, ये ऐसी जगह जहाँ यानी किया तो सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ नीचे न लगा के कुछ ऊंचाई पे प्लांटेशन लगाते हैं, तो वो रहा अपना माउंड। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फिर अपन आगे चलेंगे। तो यहाँ पर है द टाइप ऑफ पिट यूज फॉर ड्राई जोन, अब ड्राई जोन के लिए कौन करेंगे, तो देखो ऑर्डिनरी पिट का कोई पर्पज है नहीं, या तो यहाँ सोसर पिट करेंगे या दूसरा कौन करेंगे रिंग पिट, तो यहाँ ड्राई जोन बोला है, सूखा जोन है, तो अब आप यहाँ पर दोनों ही में लगा सकते हो, अगर बहुत ज्यादा ड्राई है, ड्राई बोल रहा है बिल्कुल डेजर्टिक नहीं बोल रहा है, तो अपन सोसर लगा देंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा और ड्राई कर दो यानी कि बिल्कुल ड्राई, अगर तुम्हें क्वेश्चन से ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल डेजर्ट टाइप का मतलब बिल्कुल सैंडी टाइप का बोल रहा है, तो हाँ वहाँ रिंग पिट लिख। तो कई बार क्वेश्चन को इसके आगे के क्वेश्चन से देखना पड़ता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। अब तमिलनाडु वालों का था तो उनका ड्राई जोन का जो एस्पेक्ट था वो नीलगिरी के जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से था, तो उनके लिए सोसर पिट इनफ थे। राजस्थान वाले इस टाइप का ड्राई लिखते हैं तो अपन रिंग पिट में ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इनके दिमाग में रिंग पिट ही होगा। अब ये जो साइट सिलेक्शन था वो अपना हो गया, प्री प्लांटिंग जो सर्वे था वो कर लिया था। अब यहाँ पर जो साइट प्रिपरेशन था जिसमें सॉयल बर्किंग लेके क्लीनिंग, जो क्लीनिंग थी, वीडिंग थी, ये सब चीजें अपन कर चुके थे। अब अपना मुद्दा आ गया कि साइट जो अपनी फॉरेस्ट साइट है वो फाइनली प्रिपेयर है, मजदूर वहां से काम करके आ गए। अब उन्होंने डिपार्टमेंट वालों से बोल दिया कि बस हमारा तो पूरा काम हो गया, आप जा करके या तो वहां पर सीड छिड़क के आ जाओ, मतलब सीड सोविंग करके आ जाओ, या फिर प्लांटेशन के लिए आप प्लांटेशन दे दो, हम ट्रैक्टर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर पहले सीड सोविंग देख लेते हैं कि भाई सीड सोविंग क्या है, कि जैसे सीड लिया और सीधे छिड़क दिया। अब इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, एक जो डायरेक्ट सीड सोविंग है उसका मतलब है कि आप सीड लेके गए और सीधे फेंक करके आ गए। अब ये इसके एडवांटेज हैं कुछ, जैसे कि अब आपके पास मान चलो कोई प्लांट है जिसके दर तरीके से सीड उग रखी है, जैसे किसी ने लूट का है, देश में सीडों की इसकी कोई कमी नहीं है, आप 2 किलो वहां पर 2 क्विंटल पकड़ा देते हैं, तो मीन्स सीड बहुत आसानी से अवेलेबल है, सस्ता है, तो सीधा है वो ऐसे ही फेंक दो ना उग जाएंगे, मतलब चीप चला जाएगा, एक ही दिन में आप 25 हेक्टर में फैला के आ गए। अगर आप उसको अदर कोई मेथड करोगे तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, तो एक टाइप से चीप है, जो स्पीसीज के सीड एबंडेंट है उन्हें आसानी से वहाँ पर उगा सकते हैं और ज़्यादा हेडक नहीं होता है, और यहाँ पर हम स्पीसीज का मिक्सअप वगैरह है उसे आसानी से कर सकते हैं। कई बार हम जैसे प्योर प्लांटेशन नहीं करना चाहते, खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं करता है, तो हम मिक्सअप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज की बात की जाए तो हम यहाँ पर सीड जो फैला के आ जाते हैं ग्राउंड में, वो जनरली सरफेस के ऊपर पड़ी होती है, तो हम जैसे ही चलेगा रात में रोडेंट्स और जो गिलहरी हैं, चूहे हैं, अटैक करेंगे और वो कंज्यूम कर जाते हैं बहुत सारे। दूसरा है जो सीड्स हमने फैलाए उनके बीच में स्पेसिंग कभी कोई मेंटेन नहीं होती है, और जैसे ही बाहर है तो जैसे बोला कि धूप में कुछ चटक गए, कुछ बारिश में बह गए, तो ये इम्पैक्ट पड़ता ही है। अब बेसिकली देख लिया जाए अपना मेथड के हम जो डायरेक्ट सीड सोविंग करते हैं वो किस किस तरीके से करते हैं,
तो पहला जो तरीका था जिसे मैंने आपसे बोला था, वो से बोलते हैं हैंड ब्रॉडकास्टिंग। मतलब क्या है, मेथड का नाम है अपना ब्रॉडकास्टिंग, मतलब बड़े लेवल पे आप सीधा ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। तो पहला तो है हैंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब एक आदमी गया और हाथ से फैला के चला गया। दूसरा मेथड आता है एरियल ब्रॉडकास्टिंग, ये अपने यहाँ 1985 के टाइम पर चंबल वैली में किया गया था, राजस्थान के भी जो सेमी एरिड रीजन है उनमें किया गया, वेस्टर्न घाट में किया गया। राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, थोड़ी समस्याएं थी इनमें इरोजन की, तो उन्होंने क्या किया, जो प्रोसोपिस जूली फ्लोरा जिसे अपन विलायती बबूल बोलते हैं, तो प्रोसोपिस जूली फ्लोरा को ये मैक्सिको से लेके आए और इसको एरोप्लेन में रखा, और उन्होंने वहां से 4 लोगों को बिठा दिया और वो वहां पर टोकरी भर भर के सीढ़ियों के नीचे फेंकते गए। जब वो जमीन पर गिरेंगे, यहाँ पर कुछ बह गए, कुछ डिस्टर्ब हो गए और बहुत सारे यहाँ ग्रो कर गए, और आज यही ये है हर जगह। तो ये है एयर सीडिंग, मतलब एयर से फेंके गए। और तीसरा वो मेथड होता है वो है अपना हाइड्रो सीडिंग। इसमें क्या है, जैसे अपना गैस सिलेंडर जैसा एक सिलेंडर होता है जिसमें अपन पानी भर देते हैं, और पानी के साथ साथ जो फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होना, भर दिया और इसी में भर दी सीड। अब यहाँ पर पाइप जो है उसका नोजल खोला, जैसे ही नोजल खोलेंगे यहाँ पर प्रेशर पहले से है, तो ये प्रेशर के साथ पूरा का पूरा बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही एक बार ये निकलना शुरू हो गया, तो हम जैसे जैसे पानी को फैला देंगे सीड अपने आप चले जाए। तो ये अपना हो गया हाइड्रो सीडलिंग। दूसरा अपना मेथड है वो है डिबलिंग, मतलब छोटा गड्ढे करते हैं उंगली से और वहां पर सीड रख देते हैं उसमें, और फिर मिट्टी को वापस बंद कर देते हैं। वैसे है लाइन सोविंग, लाइन लाइन करना है, स्ट्रिप सोविंग है, पैच सोविंग, एक साथ में पूरा पूरा पैच कर देना, ये जो है ये डिबलिंग है। और ये है अपनी लाइन सोविंग, ये है हैंड ब्रॉडकास्टिंग, और ये है ईयर सीडिंग। ईयर सीडिंग के बारे में यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ पूरा। अब सीड वाला तो मुद्दा अपना हो गया, यहाँ पर अपना मुद्दा बचा वो था प्लांटिंग का। प्लांटिंग जब आप करोगे, जैसे कि खासकर आजकल एक बात और याद आई कि अपन वन महोत्सव में भी ये प्लांटिंग करते हैं, तो प्लांटिंग ऐसा तो नहीं है कि आप कभी भी जब आपकी इच्छा हुई आपने मन उठाया और जाके प्लांटेशन कर दी। कहीं ना कहीं आपको जो प्लांटेशन है वो आपको एक सीजन के अकॉर्डिंग ही करना होता है, जिससे आपकी प्लांटेशन बच जाए। ये जो प्लांटेशन है वो ऐसा हो सकता है कि राजस्थान वाले मानसून के टाइम पे करें, क्योंकि मानसून के टाइम पे अगर वो डिपार्टमेंट चला भी गया, केयर भी नहीं की, तो रेनफॉल मिलती जाएगी, उसे मॉइस्चर मिल जाएगी। लेकिन अगर हिमालय वालों की बात की जाए, तो उसे ट्राई करेंगे कि जब बर्फ पिघलना शुरू हो उस टाइम पर प्लांटेशन की जाए, जिससे उसे आराम से मॉइस्चर मिलती जाए। तो ये जो प्लांटेशन का जो पीरियड होता है वो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग हो सकता है। तमिलनाडु वालों को तो एक्चुअली साउथ वेस्ट मानसून, जो अपना मेन मानसून आता है, उससे तो ज़्यादा रेनफॉल मिलती नहीं है, उन्हें नॉर्थ ईस्ट से मिलती है, तो फिर उनकी जो प्लांटेशन एक्टिविटी है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के अकॉर्डिंग होगी। दूसरा मुद्दा आता है अपना इसमें कि जब आप प्लांटेशन कर रहे हो तो आपकी जो प्लांटिंग मटेरियल है उसकी साइज क्या होना चाहिए, उसकी एज क्या होनी चाहिए। तो यूजुअली हर एक स्पीसीज के लिए इनमें थोड़ा वेरिएशन होता है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि पॉपुलर जो है उसमें जनरली 2 से 3 साल की कटिंग लगाते हैं, टीक जो है उसमें स्टम्प प्लांटेशन करते हैं, और वो भी लगभग 1 साल का स्टम्प होता है। अब जो भी आपका मेथड है, आपने टीक या बम्बू ले लिया या पॉपुलर ले लिया, जब आप उसे प्लांटेशन वर्क करने जाओगे तो प्लांटेशन से पहले भी हमें कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, खासकर उसके के साथ करनी पड़ेगी उसकी स्ट्रिपलिंग। यूजुअली अगर ये नॉर्मल प्लांट ले लो और इसे हम लगा देंगे, तो ऑब्वियसली हमने जब उसे प्लांट किया तो कुछ ना कुछ उसमें डैमेजेज हुए ही होंगे। तो रूट सिस्टम को तो डैमेज हुए हैं, लेकिन प्लांट सिस्टम की तरफ से कोई डैमेज नहीं हुआ। तो प्लांट को क्या है कि जड़ों की साइड से पानी तो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, लेकिन ऊपर से उसका इवेपोरेशन बराबर है। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ये प्लांट है कुछ ही टाइम में इसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसा ना हो तो हम उसे क्या करते हैं कि प्लांट की कुछ काफी हद तक जो ब्रांचेज हैं और पत्तियां हैं उन्हें कट कर देते हैं, जिससे अगर यहाँ पर रूट सिस्टम डैमेज भी हो गया तो ये जो डिमांड थी वो लगभग हमने 25% कर रह गई, मतलब 100 से लेके 25 पे कर दी, हटा दी मैंने, लगभग 75% घटा दी। तो इसका रिजल्ट है कि अगर रूट डैमेज भी हो गई तब भी वो सर्वाइव कर जाएगा आसानी से। तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रिपलिंग। अब एक बार आपने प्लांटेशन की है कर दी, तो इसके बाद अपना मुद्दा आता है कि आप वहाँ ग्राउंड में जाके लगा दोगे, अपने पेड़ को लगा दोगे। अब जब पेड़ को लगाते हो तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, क्योंकि
कुछ प्लांट को जैसे मैंने सिंपल सा पेड़ किसी को उखाड़ा, जैसे खासकर अपन जो बबूल लेते हैं, बबूल में अपन करते हैं नेकेड रूट प्लांट। इसमें क्या करते हैं, कहीं बबूल का पेड़ लगाया, सीधा पकड़ के हाथ से उखाड़ दिया और जाके लगा दिया। क्योंकि बबूल जो है उसका रूट डैमेज होने के बाद भी वो उसे झेल लेता है, उसकी रेट जो डेथ रेट है वो कम है, तो हम उसे नेकेड रूट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्लांट है जो रूट डैमेज को नहीं सहन कर पाते हैं, या फिर जैसे उखाड़ा और उन्हें तुरंत अगर प्लांटेशन नहीं किया गया विद इन टाइम पीरियड में, और जो एयर है वो ज़्यादा ड्राई ड्राई रही, मतलब मॉइस्चर कम है, ह्यूमिडिटी कम है, तो ऐसे केस में प्लांट की डेथ कर जाते हैं। तो फिर वहां पर हम क्या कर देते हैं, बाल ऑफ अर्थ प्लांटेशन। एक थर्ड प्लांटिंग मेथड है, इसे बोलते हैं ब्रेक प्लांटिंग। इसे भी पहले देख चुके हैं ब्रेक प्लांटिंग को। इसमें क्या करेंगे, मिट्टी का ये जो है एक जो अपनी ईंट बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे FI मतलब फर्टिलाइजर भी ले लेंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उन्हें भी ले लेंगे, सैंड भी ले लेंगे, और इस टाइप के ब्रिक्स बना देंगे। तो इसका डायमेंशन देखो 30 सेंटीमीटर, ये लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर है, 30 सेंटीमीटर ये है और 30 सेंटीमीटर ये है, और इसमें ऊपर गड्ढा करके अपना पेड़ लगा दिया। ये ब्रिक्स प्लांटेशन जो है ये जनरली अडोप्ट किया जाता है राजस्थान, मतलब सेमी एरिड रीजन में, सेमी एरिड रीजन में। तो इसे याद रखना है कि ब्रिक्स प्लांटेशन कहाँ किया जाता है, राजस्थान में हम जनरली से काफी अच्छा यूज करते हैं। एक चौथा है, इसे बोलते हैं हम स्टम्प प्लांटिंग। स्टम्प पहले भी देख चुके हैं कि रूट शूट जॉइन का, और इसका अगर कभी भी एग्जाम्पल आएगा तो आएगा अपना टीक और सिसु। तो स्टम्प प्लांटिंग किसमें किया जाएगा, टीक और सिसु में। बहुत सारे हम डायरेक्ट इस टाइप का ना करके हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, खासकर अपने जैसे फाइकस वगैरह में है, सेलेक्स और पॉपुलर में, तो हम कटिंग की कितनी बार बोल चुके हैं, तो ये तो चलते ही रहता है। एक होता है कटिंग का साइज कि 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर का इसका कॉलर डायमीटर हो। कॉलर डायमीटर मतलब इसका ये डायमीटर, इसे स्टार्टिंग में छोटी छोटी होती है ना, कॉलर डायमीटर टर्मिनल के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पर कई बार आपको कंटेनर प्लांटिंग के बारे में बता दिया जाता है, या पॉपुलर के में जैसे 2-3 मीटर की है, ये चीजें तो पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कुछ बचा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा बताना हो आपको। क्योंकि आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी काफी इम्प्रूव हो चुकी है, ये तो ट्रांसप्लांटिंग छोटी की तो छोड़ो, हम जो बड़े बड़े पेड़ हैं उन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हैं, खासकर जैसे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हर जगह डंडा कर रखा है। तो वैसे केस में आप बोल रहे हैं कि कोई पेड़ मत काटो, लेकिन अगर कहीं डेवलपमेंट ऐसा है कि जहाँ नेसेसरी ही है, वहाँ कोई आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो आप पहले जैसे नहीं करके हम पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं है, मशीन आती है और ये पूरा पूरा पेड़ को एक जगह से उखाड़ करके जहाँ पर दूसरी जगह रिप्लेस कर देती है। तो इस टाइप से आजकल हम जो लार्ज ट्री है उनको भी हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेंगे, इसके बाद हम स्पेसिंग पर क्वेश्चन कर लेंगे और अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर है देखो, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्लांटिंग इन टीक। तो टीक में मोस्ट कॉमन मेथड प्लांटिंग का कौन सा है, वो अपना स्टम्प प्लांटिंग। स्टम्प प्लांटिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस किसमें, मैंने बोला था आपको टीक और सिसु में। तो आप यहाँ पर जब इन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए तो क्या करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर टीक है, अपनी फर्स्ट चॉइस टीक ही है। देखो कई बार क्या होता है कि जो पेपर सेटर है उन्होंने इतना बहुत सारी चीजें होती हैं नहीं मालूम होता है, नहीं याद रहता है, तो जो मोस्ट कॉमन चीजें होती हैं वही डाल दिया जाता है। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल है, पिंक डिसीज जो है वो यूकेलिप्टस में होती है, लेकिन केवल यूकेलिप्टस में नहीं है, लगभग 7-8 ट्रीज में और होती है। लेकिन कभी भी पिंक डिसीज पे कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर यूकेलिप्टस ही लगानी है, आपको वहां कोर्ट केस नहीं लड़ना है, सिद्ध नहीं करना कि अदर में भी होती है। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को भी जनरली वो कॉमन सी चीज है, उसे वही याद थी, आप वही से काम चल जाएगा अपना। तो यहाँ पर भी अपन को टीक ही लगाना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टम्प प्लांटिंग क्या है, वे प्लांटिंग ऑफ स्टम्प या रूट, और तो कुछ कटिंग, शूट कटिंग, प्लांटिंग और ग्राफ्टिंग, इनका तो कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। एक है नेकेड रूट प्लांटिंग हैज बीन सक्सेसफुल। कि नेकेड रूट प्लांटिंग किस में करते हैं, तो जैसे मैंने बोला था आपको एग्जाम्पल दिया था नेकेड रूट का, वो था बबूल। तो जो अकेसिया की स्पीसीज होती है उनमें हम यूजुअली नेकेड रूट प्लांटेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ कैजुराइना है, एलनस है और जुगलेंस रही है, आप इसमें तो आपको एक भी अकेसिया की नहीं, तो फिर क्या कर सकते हो। तो उसका ये है कि हर चीज को याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, खासकर नॉन फॉरेस्टी स्ट्रैंड के लिए। अब कैजुराइना को हम जनरली ये नेकेड रूट कर लेते हैं, मुझे केवल यहाँ कैजुराइना ही मालूम है। क्यों, क्योंकि ये होता है कोस्टल एरिया में, जहाँ की जो सॉइल है
सैंडी होती है, तो उसमें क्या है कि अगर कैजुराना को आप उखाड़ भी लेते हो तो रूट डैमेज बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, इसलिए हम नेकेड रूट कैजुराना का कर सकते हैं। अदर के साथ जैसे एलनस है वो काफी यहाँ कॉनिफर्स में उग रहा है, एलनस नेपलेंसिस है, निटिडा है, तो इस पे हो सकता है नहीं, क्योंकि कितना रूट डैमेज हो जाता है तो कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर मैं इसे क्वेश्चन को लगाऊंगा तो इसका आंसर ए लगा के आ जाऊंगा। अब इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है वो है स्पेसिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने जो आधे क्वेश्चन आएंगे वो इसी स्पेसिंग पे आते हैं। तो पहला तो ये है कि जब अपन ने अभी तक गड्ढे खोदे हैं ठीक है, लेकिन जो गड्ढे हैं उन्हें भी कोई फिक्स होगा, मतलब एक पेड़ के से दूसरे पेड़ के बीच में कुछ जगह देते हैं, गैप छोड़ते हैं, वो गैप जो है उसे बोलते हैं स्पेसिंग। ये गैप अपन कोई बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। मान चलो सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम है तो उसके हिसाब से अपन करेंगे, या सॉइल का किस टाइप की टोपोग्राफी है, ढलान कैसा है, कोई स्पीसी जब वो कितनी तेजी से ग्रो करती है उसका क्राउन कैसा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे हम उसकी स्पेसिंग डिसाइड करेंगे। लेकिन कुछ के लिए हमने स्पेसिंग पहले से फिक्स कर रखी है, जैसे कि अगर कहीं फायरवुड प्लांटेशन कर रहे हैं तो फायरवुड प्लांटेशन के लिए, क्योंकि पेड़ की ज्यादा बढ़ेगा तो कोई फर्क तो हमें पड़ता नहीं है, क्योंकि ज्यादा बड़ा हमने उसे उतना ही काट लिया, तो यहाँ पर फायरवुड प्लांटेशन में हम जनरली जो स्पेसिंग है उसे 1 से 1.5 मीटर के बीच में देते हैं। ये याद रख लेना आपको कि फायरवुड में 1 से 1.5 मीटर के बीच में स्पेसिंग रहती है, मतलब 1 मीटर बाय 1 मीटर या 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर। दूसरा, जो पल्प या पेपर बनाने के लिए जो हम प्लांटेशन करते हैं, जैसे खासकर पॉपुलर वगैरह या यूकलिप्टस लगाते हैं, तो हम 2 से 3 मीटर के बीच में लगाते हैं। यूजली जो तराई में जो हम पॉपुलर लगाते हैं वो 3 मीटर पर लगा देते हैं। इसके अलावा क्योंकि बहुत सारी स्पेसिंग के हैं, अब इन पर क्वेश्चन आते रहते हैं तो इसलिए थोड़ा याद रखना पड़ता है, और इसमें अभी याद भी कौन करना है जो बहुत कॉमन है, जैसे कि यहाँ एक याद रखना है हमें यूकेलिप्टस, दूसरा यहाँ है कैचुराइना, टीक और साल होगा, टीक ये मिल गया, यहाँ पर है पाइनस रॉक्सबर्गी, यहाँ पर है पॉपुलर, और यहाँ पर रखो मैंगो। केवल इन्हें याद रख लो अपना काम हो जाता है, हर चीज को याद नहीं रख सकते। यहाँ 300-350 से ज्यादा पेड़ है, सबको याद रखे दिमाग का दही नहीं करना है। अब एक बार ये समझ में आ गया, अब मेन मुद्दा आता है अपना कि प्लांटिंग पैटर्न क्या होता है। देखो हमने प्लांटिंग मेथड पढ़ लिया, मेथड क्या होता है, नेकेड रूट प्लांटिंग, ब्रिक्स प्लांटिंग, प्लांटिंग विद वॉल ऑफ अर्थ या पॉलीबैग प्लांटिंग। ये प्लांटिंग पैटर्न जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग किस हिसाब से कर रहे हैं। जैसे यूजुअली एक तो हम प्लांटेशन करते हैं वो इसे बोलते हैं अपन लीनियर प्लांटेशन। लीनियर में क्या किया जाता है कि हमने एक पेड़ लगा दिया, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इनके बीच में एक फिक्स स्पेस होता है 2 मीटर या 3 मीटर का। एक लाइन कंप्लीट होने के बाद कुछ स्पेस छोड़ के दूसरी लाइन बनाएंगे, फिर तीसरी लाइन बनाएंगे, तो यूजुअली इसमें प्लांट टू प्लांट के बीच की जो स्पेसिंग है वो कम होती है और एक लाइन से दूसरी लाइन की स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है। दूसरा जो है वो है स्क्वायर प्लांटेशन। स्क्वायर का मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में, ये लाइन टू लाइन और ट्री टू ट्री, ये स्पेसिंग है वो बिल्कुल सेम होती है, इसे बोल दिया हमने स्क्वायर प्लांटेशन। तीसरा वो है ट्रायंगुलर, यहाँ पर जो करेंगे वो ट्रायंगुलर मेथड बनाएंगे। और चौथा है क्विनक्विंशियल। क्विनक्विंशियल में क्या होते हैं, क्विनकुंक्स में, क्विनक्विंशियल में यहाँ हमेशा जो चार है उनके बीच में एक पांचवा लगा होगा। तो इस टाइप से क्विनक्विंशियल में जो प्लांटेशन है, मीन्स देखो एक चार, दूसरा चार, इसके बीच में ये, तीसरा चार और चौथा चार, ये चार के ऊपर बीच में एक एक्स्ट्रा होगा, मीन्स यहाँ पर जो प्लांटेशन होगी वो लगभग 25% ज्यादा हो जाएगी। जैसे चार स्क्वायर में एक पांचवा स्क्वायर जोड़ गया, मीन्स लगभग यहाँ पर इसमें 25% ज्यादा हो गए, या आप ऐसे समझ लो कि 20% ज्यादा हो गए, जैसे जिस टाइप से व्यू से आप समझो से। तो ये है अपना प्लांटिंग पैटर्न। अब ये प्लांटिंग पैटर्न पे पूरा पचड़ा है, क्योंकि अपने जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको यही बोल देंगे कि लीनियर प्लांटेशन है, एक ट्री से दूसरे ट्री के बीच की डिस्टेंस इतनी है और लाइन टू लाइन डिस्टेंस इतनी है, तो 1 हेक्टर एरिया में कितने प्लांट लगेंगे। अब आपको क्या करना है, या तो ये सीधा फॉर्मूला याद रख लो या इन्हें थोड़ा समझ लो, समझ में आ जाता है कि जैसे 1 हेक्टर है, पहले हम इसे लीनियर को देख लेते हैं। 1 हेक्टर क्या होता है, 100 मीटर बाय 100 मीटर, तो ये हमने 1 हेक्टर रख लिया। इन्होंने बोला प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस ये है, तो उसे नीचे से डिवाइड कर देंगे, ये अपना निकल आएगा कि 1 हेक्टर में कितने प्लांट बनेंगे।
दूसरा आपसे क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन मेथड क्या, तो आजकल जो किया जाता है वो सबसे ज्यादा लीनियर और स्क्वायर ही किया जाता है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर में दिमाग का दही होता है, और क्विंटिलिनियर में भी वही होता है, क्योंकि बीच बीच में एक पेड़ लगाना होता है, तो उसे मेंटेन करना बहुत आसान नहीं है। हम यहाँ पर लीनियर और स्क्वायर प्लांटेशन ही की जाती है जनरली। अब इससे फिर रिलेटेड अपने क्वेश्चन आ जाएंगे, इन्हें आप कर लेना आसानी से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है और सीधा कैलकुलेशन करने की ये है। इन्हें हर चीज को फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आप थोड़ा दिमाग से ठंडे से सोचो कि अगर एक पेड़ के, ये पेड़ों के बीच की डिस्टेंस ये है, ये इसके ये है, सपोज इन्होंने बोल दिया कि ये पेड़ है, इनके बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर इसमें, और ये भी जो है डिस्टेंस ये है 5 मीटर, तो 1 हेक्टेयर में कितने पेड़ बनेंगे। आप अपना खेत ले लो, ये बोल दिया कि 1 हेक्टेयर बोला, तो ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, अगर ये स्पेसिंग 2 मीटर है तो 100 बाय 2 मतलब ऐसे तो आएंगे अपने 50 पेड़, ऐसे बोला है 5, तो इसका मतलब 5 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएंगे 20, तो इस टाइप से अपने कितने हैं 20, तो यहाँ से कर लो 50 × 20 लगभग ये आ गए 1000 पेड़। ठीक है, तो वो एवरेज एक्चुअली 1000 ना के थोड़ा डिफरेंस आ जाए, क्योंकि पहला अगर यहाँ पर लगेगा तो दूसरे के बीच में ये बाउंड्री प्लांटेशन को थोड़ा इशू आएगा, तो ये एवरेज अपना जो है वो 1000 के आसपास आ जाएगा। उसे एक बार समझ लोगे तो उसे कर लेते हैं, तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो पूरे इसी मेथड पे चलते रहेंगे। फिर यहाँ पर वही चलते रहेगा आपको एमपी वाले के, इतना मीटर बाय इतने मीटर प्रति हेक्टर कितने पौधे आएंगे, सिमिलर क्वेश्चन एमपी में ये 2 बार पूछ रखा है, फिर इसी टाइप के तमिलनाडु वालों में पूछ रखा है। यहाँ पर जैसे उन्होंने एक पूछ रखा था कि ये बम्बू के बीच में क्या प्लांटेशन, मतलब किसके बीच में कितनी स्पेसिंग करते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन मेथड पूछ रखा था, वो कौन सा बोला, मैंने बोला आपसे या तो लाइन कर दो, लाइन प्लांटिंग या रेक्टेंगुलर, तो इन्होंने बोला कि विच इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ प्लांटिंग इन फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में जो करते हैं लैंड प्लांटिंग यूजुअली जो किया जाता है, ये एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री में, एग्रो फॉरेस्ट्री में जो सबसे ज्यादा है वो लैंड प्लांटिंग है। ये लैंड प्लांटिंग ही अपने पॉपुलर में भी करते हैं, और ये जो रेक्टेंगुलर प्लांटिंग है फॉरेस्ट्री में इसे काफी अच्छा खासा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो फॉरेस्ट का जो एरिया होता है उसमें हम ऐसी गड्ढे कर देते हैं, इनके बीच की स्पेसिंग मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमें फॉरेस्ट एरिया में केवल ट्री उगाने होते हैं, इसलिए हम स्क्वायर कर देते हैं। जबकि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम ये ट्री की जो रो है उसके बीच में हम एग्रीकल्चर क्रॉप ले रहे होते हैं, इसके बाद फिर ट्री की क्रॉप होती है, इसलिए वहां पर हम लाइन प्लांटिंग कॉमन होती है। अब यहाँ पर वही था, प्लांटिंग ऑफ कटिंग इज कॉमन, कटिंग किसकी करते हैं, देखो कि फाइगस को तो हमें पता है, सेलेक्स की का पता है, तो बॉम्बक्स सीवा भी है और ऑल कटिंग की। यहाँ पर प्लांटिंग स्टॉक रिक्वायर्ड टू प्लांट, मतलब एक हेक्टर है, 1 हेक्टर का एरिया है जिसमें 2 मीटर बाय 3 मीटर की स्पेसिंग पर आपको प्लांटिंग करना है, तो कितना स्टॉक रिक्वायर है आप कैलकुलेट कर लेना इसमें। यहाँ पर ये जो अपना प्लांटिंग और सोविंग वाला जो पार्ट था ये खत्म हो गया। अब अपना अगला आएगा मेंटेनेंसी का, और इसके बाद आएगा टेंडिंग ऑपरेशन।